सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये है आज की एक और नई वीडियो। और आज हम आपको बता रहे हैं कि अब बूबा पूरी तरीके से, यानी पूरी तरीके से ठीक हो चुका है। इसका शरीर देख के ही बता सकता है कोई भी कि अभी पूरी तरीके से ठीक है। थोड़ा बहुत कम एक्टिव है पहले, मतलब थोड़ा बहुत रिकव होने में भी पूरा टाइम लेगा ना, मतलब पूरा उछल कूद करने में भी टाइम लेगा। पर ठीक है, पूरी तरीके से हो चुका है, बीमारी पूरी तरीके से जा चुकी है। इसका पेट अब बिल्कुल सही हो चुका है ना बूबा? बूबा बताओ सबको। तो बूबा अब कैमरे के पास भी आता है, इसके सामने कैमरा करो ना तो आता है उसके पास कि क्या चीज़ है देखने की। अभी पता क्या कर रहा था, अभी यहाँ कुछ कबूतर यहाँ ऐसे आते रहते हैं ना, मतलब पार्क है यहाँ पे, लोग गेहूँ वेहूँ यहाँ छानते ही रहते हैं ना, वो आंटीज जो छानती रहते हैं वो पड़े रहते हैं, तो वो खाने आए थे। तो उनको बड़े ध्यान से देख रहा था, धीरे धीरे उनके पास जा रहा था। पता नहीं क्यों, क्या क्या चल रहा होगा इसके मन में कि ये धीरे धीरे उनके पास जा रहा था। पता नहीं क्या ही चल रहा होगा इसके मन में, और एकदम धीरे धीरे, फिर एकदम से छलांग मारी और वो सब उड़ गए। मतलब उन्हें कुछ नुकसान नहीं किया बूबा ने। बूबा हमारा नुकसान क्यों करेगा? बूबा बहुत ही प्यारा बच्चा है ना बूबा? वो बताओ सबको, तुम कितने प्यारे हो। तो बूबा बहुत ही हमारा क्यूट है, प्यारा सा है, किसी को कोई नुकसान नहीं करता। और मतलब डर जाता है, लोगों को लगता है कि हमें मारने आ रहा, पर ये खुद ही डर जाता है। अभी तो ये कुछ नहीं करता, पर हो सकता है कि बड़े होने के बाद करे कुछ, मतलब लोगों को डराए थोड़ा सा, एकदम उछलते हैं ना। तो अभी तो छोटा है, अभी तो सबको क्यूट लगता है उछलता हुआ, पर जब ये बड़ा हो जाएगा तब किसी के ऊपर उछलेगा, तब बड़ा ही डेरिंग सा लगेगा और लोग डर भी जाएंगे। बच्चे तो बिल्कुल आने से डरेंगे इसके पास। और बूबा कहाँ जा रहे हो तुम? जंगल में? पूरा इधर आओ। तो बूबा पूरी तरीके से ठीक हो चुका है, इस बात की ज़्यादा खुशी है। और अब काफ़ी ज़्यादा चल फिर रहा है, एक्टिव है, थोड़ा थोड़ा सा पहले से कम है, पर अभी बिल्कुल ठीक है। बीमारी तो नहीं है, बस अब थोड़ी सी सुस्त है इसमें भी, थोड़ा सुस्त है ये भी, पर वो जल्दी ठीक हो जाएगा धीरे धीरे। इसकी पूंछ से अंदाज़ा लगा सकते हैं, बकरे मतलब जो भी पेट्स रखते हैं ना, बकरों में यही निशानी होती है कि जब भी इन्हें कुछ होता है, खासकर पेट की बीमारी, तो पूंछ नीचे कर लेते हैं। और 2-3 दिन से इसने बिल्कुल नीचे कर रखी थी और अभी बिल्कुल ठीक कर रखी है, और अभी काफ़ी उछल कूद भी कर रहा है ये। तो बूबा फिर से झाड़ के पीछे चला गया है। बूबा इधर आ, इसे लेके आना उधर से। तो बूबा अब थोड़ा एक्टिव होके दिखाता है, मतलब उछल कूद करता है, मन करता है इसका मैं उछलूँ और कूदूँ मतलब। तो वैसा पहले जैसा तो नहीं कर पाता, पर फिर भी काफ़ी इसका मन करता है कि मैं खेलूँ और सबके ऊपर, जैसे दो टांगों पर खड़ा हो जाता है ना, कई बार आपने वीडियो में देखा होगा, कई सारी शॉर्ट्स में भी देखा होगा आपने मेरी, कि ये दो पैरों पे खड़ा हो जाता है काफ़ी देर तक। तो पहले तो अब नहीं, पहले तो हो जाता है, मतलब अब नहीं हो पा रहा इतना देर तक। अभी जल्दी गिर जाता है, मतलब थक जाता होगा ना बेचारा, बॉडी थकी हुई है बीमारी की वजह से। पर अभी धीरे धीरे 1-2 दिन में बिल्कुल ठीक हो जाएगा और आपको फिर से हंसता खेलता कूदता बूबा दिखाई देगा वीडियोज़ में सारी। तो बस ये थी दोस्तों आज की हमारी वीडियो। आज हमने आपको बताया कि बूबा पूरी तरीके से ठीक हो चुका है, बीमारी पूरी तरीके से जा चुकी है, अब बस थोड़ी सी इलनेस है, मतलब थोड़ा सा सुस्त पना है अभी बूबा में, और वो भी जल्दी ही चला जाएगा और फिर से आपको हंसता खेलता बूबा देखने को मिलेगा वीडियोज़ में। बूबा वैसे बहुत क्यूट है, सबको बहुत प्यारा लगता है और नज़र भी बहुत जल्दी लग जाती है ना, तो इसलिए हम हर बात में माशाल्लाह बोल देते हैं कि माशाल्लाह कितना क्यूट है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह कल, तब तक के लिए बाय बाय।